अधीर रंजन के बयान पर जिस वक्त हंगामा मच रहा था उस वक्त एक और विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी चेयरपर्सन रमा देवी के पास पहुंची और उन्होंने पूछा कि अधीर रंजन ने माफी मांग ली है तो फिर उनका नाम क्यों लिया जा रहा है। तभी वहां स्मृति ईरानी पहुंच गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। संसद में गजब का शोर था। बीजेपी के सांसद एक सुर में सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर बयान अधीर रंजन ने दिया था, मगर माफी की मांग सोनिया से हो रही थी। तभी सोनिया गांधी उठी और बीजेपी के सांसद रमा देवी के पास पहुंची। सोनिया गांधी ने रमा देवी से कहा, अधीर रंजन ने माफी मांग ली, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। तभी स्मृति ईरानी सोनिया गांधी के पास आई और उन्होंने सोनिया गांधी से कहा, मैम मे आई हेल्प यू, मैंने आपका नाम लिया है, डोंट टॉक टू मी। सोनिया गांधी बौखलाई हुई आई, पूछी कि मुझे क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो हम कहे कि आप अपने जो चुनी हुई हैं नेता उससे बात कीजिए, क्या बोला है। आप ऐसे नेता को चुनी है तो आप ही को ना बोलेगा लो। उस पर हमारी स्मृति ईरानी आई तो बोली, तो कहें कि आपसे बात नहीं कर रहा। तो इसमें बोली सोनिया जी, तो थोड़ा सा आदमी को होता है ना, तकलीफ होता है कि एक तो हम लोग को इस तरह बोलवा भी रही हो और इस तरह की बात करने आए। कहती कि हाँ ठीक है, वो गलती किया है, मैं ही माफी मांग ले रही हूँ, बातें खत्म होता। लेकिन जिस तरह का नेता तुम चुनी हो उटंग पटंग बोलता है तो उसको ना काबू में करना चाहिए कि हाँ ये हमारा नेता जो है वो गड़बड़ किया जिसके कारण हमारी बेइज्जती हो रही। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को धमकाया था। यू डोंट टॉक टू मी, ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है, जैसे मैं दम खा है। ये मंत्री गांधी बोल रहे हैं हमारे साथ, कार्तिक पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलजी नहीं है, दूसरा मिसलीड कर रही हो, मैंने आदर ने अपॉलजी कर दिया। तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है। शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी, अपॉलजी मांगने से पहले ये सब भी सोचना चाहिए। मगर कांग्रेस कह रही है कि स्मृति ईरानी ने सोनिया का अपमान किया, अमर्यादित व्यवहार किया। आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किया, लेकिन क्या स्पीकर इसकी निंदा करेंगे, क्या नियम सिर्फ विपक्ष के लिए हैं? टीएमसी के सांसद भी कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने ही सोनिया से तल्ख लहजे में बात की। सोनिया जी वेंट अप टू रमा देवी, शी वाज स्पीकिंग टू हर व्हेन स्मृति ईरानी रूडली इंटरप्टेड अनदर बीजेपी वुमेन मेंबर्स जॉइंड इन द फ्रे। सोनिया जी टोल्ड स्मृति ईरानी दैट आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। उसके बाद लोग उसको लेके बाहर लेके आए। जिस वक्त सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक हुई उस वक्त गौरव गोगोई और सुप्रिया सुले सदन में थे और बेहद करीब। सुप्रिया सुले बताती हैं कि उन्होंने ठीक से बातें तो नहीं सुनी, लेकिन उन्हें जो सोनिया गांधी ने बताया वो ये था। सोनिया जी मेंशन टू मी दैट शी वेंट टू स्पीक टू रमा देवी जी एंड शी हैड अ चैट and then there was too much commotion there, so nobody really knows what happened. Parliament is a very sacrosanct, it's the temple of democracy, and I think none of us should mislead anybody. जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक हुई उसने सियासत को गर्मा दिया है, मगर इतना जरूर है कि सदन के भीतर मर्यादा में बयानबाजी हो तो बेहतर है। मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।